कश्मीर में कोरोना काल में आतंक के वायरस का भी ठीक से इलाज हो रहा है। हर रोज आतंक पर नकेल लग रहा है, हर रोज आतंकियों का खात्मा हो रहा है। कभी त्राल तो कभी शोपियां तो कभी पुलवामा, बस जगह और तारीखें बदल रही हैं। रात में एसएसपी नंदना को खबर मिला था कि वघामा गांव में और चौट में 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। पुलिस आर्मी सीआरपीएफ ने रात में कॉर्डन कर लिया। आज मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो मिलिटेंट्स ने हमारे फोर्स पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। हालांकि 3 मिलिटेंट की खबर था जिसमें एक जेकेआईएस का कमांडर था जाहिद दास, वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन बाकी 2 जो हार्डकोर मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिजबरा बेल्ट में आईएसजेके के 4 मिलिटेंट हैं, जिसमें कि ये लोग पिछले साल एक हमारे एक पुलिस वाले को अटैक करके उसको मार गिराया था, उसका वेपन में लेकर भाग गया था। और इसी साल सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए थे, एक अप्रैल में एक इसी मंथ में, और उसके साथ एक 6 साल का बच्चा भी उसमें मारे गए थे। तो इस हिसाब से कामयाबी अच्छी है ये। और पिछले 24 घंटे में अनंतनाग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलकर टोटल 5 मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर पाए। आज भी सुरक्षा बलों ने कश्मीर में अनंतनाग में 2 मुठभेड़ के बाद आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को बिजबेहरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुबह सुबह सेना ने आतंकियों की घेराबंदी की। खुद को घिरते देख आतंकी गोलियां बरसाने लगे, लेकिन सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग में 2 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। दहशतगर्दों के पास से हथियार भी बरामद हुए। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के वाघामा में आज सुबह सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ में इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा बलों का कहना है कि 26 जून को सीआरपीएफ पर बीजमेहाड़ा में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें यही 2 शामिल थे, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान और एक बच्चा मारा गया था। अगर कुल मिलाकर जून महीने की बात करेंगे, सुरक्षा बलों ने मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाई और महीने के दौरान उन्हें सफलताएं भी मिली। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चला रखा है। इस साल अब तक 118 आतंकी ढेर हो चुके हैं। सिर्फ जून के महीने में 48 आतंकियों का खात्मा हो गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान परस्त आतंकियों का नापाक खेल शुरू हो गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने न सिर्फ उनके मंसूबे को नाकाम किया बल्कि आतंक के हर चेहरे को भी कुचल दिया। अशरफ वानी, श्रीनगर।